हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कविता का आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन को भी दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एलजीटीवी का सर्किट में एसटी कौन सा कॉमन है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक है एलजी का बोर्ड, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें आप लोग देखेंगे, ये देखिए, आप लोग हमेशा याद करके रखिए 1 2 3। अगर 3 पिन बोल्ट होगा, देखिए यहाँ से आपका वोल्टेज का, देखिए ये भी वोल्ट का है और ये भी। तो आप देखिए, आप लोग हमेशा याद रखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में हमेशा आपका लगेगा 600 वाई। इसमें आपका कॉमन 600 वाई आपका कॉमन है और आपका हो गया 600 2 के, ये भी कॉमन हो गया इसमें, ठीक है। 600 2 के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वाई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इसमें यूज़ कर सकते। ये देखिए वोल्ट 110 वोल्ट, ये तीनों में वोल्ट होगा। इसमें तो 110 वोल्ट पहले दिखाएगा, जब आपका एस टी ऑन हो जाएगा तो इसमें 180 वोल्ट दिखाएगा। जैसे यदि जम्पर दिया हुआ ये वो 180, तो पहले जब आप एस टी ऑन नहीं होगा तो 110 वोल्ट दिखाएगा इसमें भी। तो आप हमेशा याद करें कि 1 2 3 ये तीन अगर वोल्ट एक साथ में होगा तो आप समझ लीजिए ये सर्किट में 600 वाई एंड 2 के, 600 2 के यूज होगा, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ मैं एन के बारे में। एन ये है मेरे पास और एक एन बोर्ड, तो एन बोर्ड में देखिए ये से वोल्ट आपका इन होगा, दो ही होगा, दो में 110 वोल्ट होगा, इसमें 110 वोल्ट, इसमें 110 वोल्ट, ठीक है। और आपको देखिए माइनस वोल्ट ये आ गया, तो आप लोग को याद करना है कि पहले ये दोनों पिन सही है, दो या तीन है। अगर तीन होगा या फिर वोल्ट अगर तीन होगा तो आपका 600 वाई हो जाएगा 2 के। अगर इसमें दो पिन रह गया वोल्टेज का तो आप समझ लीजिएगा इसमें 600 एन या नहीं तो एम, ये दोनों इसमें हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एस टी के एल जी एस टी के बारे में ये दो ही कॉमन एस टी है, 600 एन और 600 वाई एंड 2 के। 600 वाई की जगह 2 के भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आपका वाई भी यूज़ कर सकते हैं 600 6 वाई। तो आपको ये दो ही कॉमन है एल जी टी में, 600 वाई एंड एम एन। तो M और N दोनों सेम ही एस टी है, सेम एस टी है N और M, ठीक है, उसमें यूज़ कर सकते हो। और Y में आप यूज़ कर सकते हो 2 के और 600 6 वाई। तो आज का वीडियो इतना ही है, आप लोग को जानकारी दे दिया। तो अगले वीडियो के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।